तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने Q&A रखा है। आप लोगों से पूछे हुए सवालों का जवाब आज मैं ये वीडियो में दूंगा और ये वीडियो के एंड में गिव अवे के अनाउंसमेंट भी करूंगा। तो अब दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है डेली और इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने के लिए। तो अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है यार। मैं आप लोगों को हर अपडेट देना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सॉरी यार, बहुत पका दिया। तो अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो यार, सबसे पहले मैं वो सवाल के जवाब दे देता हूँ जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल चैनल फॉर एवरीथिंग ने पूछा है, तेरी उम्र कितनी है, तेरा असली नाम क्या है, तू कहाँ पर रहता है, तू फेस कैम कब करेगा। अरे बाप रे, एक ही बार में चार सवाल। तो देख भाई, मैं 19 ईयर्स का हूँ, मेरा रियल नेम सोहेल है, मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं अपना फेस रिवील 50,000 सब्सक्राइबर्स के टाइम रिवील करूंगा। तो तब तक के लिए सपोर्ट करते रहना भाई। अगला सवाल ओटाकू स्टार्स ने पूछा है, भाई तू माइक पर रिकॉर्ड करता है कि मोबाइल पर। हाँ भाई, हम तो गरीब इंसान है, माइक का भी पैसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। ओप्पो का मोबाइल यूज़ करता हूँ, इसीलिए रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिना एक भी बैकग्राउंड वॉइस ना आने के लिए रिकॉर्ड करने में 2 से 3 घंटा लग जाता है। आप सभी लोग सपोर्ट करते रहो, फिर माइक में रिकॉर्ड करके फटाफट तुम लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। अगला सवाल लाइट यागमी ने पूछा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। देख भाई, मैं पीसी से एडिटिंग नहीं करता हूँ, मेरी सारी एडिटिंग मोबाइल पे ही करता हूँ और सॉफ्टवेयर का नाम काइन मास्टर है। तो अब दोस्तों, ये तो थे कॉमन क्वेश्चंस, अब आते हैं यूनिक क्वेश्चंस पे। बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसीलिए जितने सवालों के जवाब दे सकता हूँ ये वीडियो में दे दूंगा। तो एवरीथिंग नाम के बंदे ने पूछा है, इस अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू एंड लिमिट ब्रेकर गोकू हैव सेम पावर लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट ब्रेकर और अल्ट्रा इंस्टेंट सेम नहीं है। अल्ट्रा इंस्टेंट तो आप सभी ने देखा है और लिमिट ब्रेकर किसी ने भी नहीं देखा, तो कैसे बोल सकते हैं, तो शायद नहीं। अगला सवाल सुपर हीरो हैदर अली ने क्वेश्चन पूछा है, फ्रीजा और टोपो में कौन ज़्यादा ताकतवर है। ताकतवर तो टोपो है, लेकिन फ्रीजा उसको अपनी बेकार टैक्टिक्स जैसे अचानक से अटैक करना, पीछे से वार करना जो उसके खून में है, वैसा करके वो टोपो को हरा सकता है। अगला सवाल टेक्निकल शुभम फॉर गेमिंग ने पूछा है, भाई गोहान का न्यू फॉर्म आएगा क्या। देख भाई, आना तो चाहिए, गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता, लेकिन रूमर्स है वो सुपर सैन वाइट करके आएगा। जितना सुना हूँ मैं बता रहा हूँ, बट मैं भी चाहता हूँ कि गोहान को हाईलाइट करे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगला सवाल यश यश ने पूछा है, क्या फ्रीजा चीटिंग कर रहा है। ऑफकोर्स नहीं, जेनो के सामने चीटिंग करेगा तो मरेगा ही, ग्रैंड प्रिक्स को सब चीटिंग मालूम है, तो मेरे ख्याल से नहीं। अगला सवाल संध्या हैप्पी दिवाली ने पूछा है, डोरेमोन की एक वीडियो बनाओ। देख वैसे मैं सब एनिमे देखता हूँ और बचपन में डोरेमोन भी देखता था, तो शायद फ्यूचर में। अगला सवाल अली अब्बास ने पूछा है, मांगा और एनिमे अलग अलग क्यों होते हैं। देख भाई, नॉर्मली मांगा और एनिमे सेम ही होते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर एक एक्सेप्शन है। अगला सवाल ड्रैगन बॉल फैन ने पूछा है, वेजिटा रूम ऑफ स्पिरिट कैसे यूज कर रहा है, उसको सिर्फ 2 बार यूज कर सकते हैं। देख भाई, कामे के टाइम पे रूम ऑफ स्पिरिट, जिसको हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर भी बोलते हैं, सिर्फ 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन डेंडे ने रूम को मॉडिफाई किया है, अब रूम को 5 बार यूज कर सकते हैं। अगला सवाल नूतन पांडे ने पूछा है, हु इज लॉर्ड चिल्ड। ये फ्रीजा का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था और उसे बारडॉक यानी गोकू के बाप ने ही मारा था। अगला सवाल राहुल सिंह ने पूछा है, जो लास्ट में बोलते हो गुजाए मस्त, पता नहीं क्या बोलते हो, लिख नहीं पा रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है। देख यार, मैं लास्ट में बोलता हूँ आरिगा तो गुजाए मस्त, ये जैपनीज वर्ड है, इसका मतलब थैंक यू होता है। अगला सवाल श्रीतम पांडा ने पूछा है, व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर। भाई मैं अपना पर्सनल इन्फो ऐसे नहीं शेयर कर सकता, आप चाहिए तो मुझे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। अगला सवाल निहाल वर्मा ने पूछा है, व्हाई गोटेन एंड ट्रंक्स हैव नो टेल। मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। अगला सवाल रॉकी रॉक ने पूछा है, इंडियन ओटाकू फोन करो दिस नंबर,
भाई मेरे पर्सनल इन्फो ऐसे मत शेयर करा कर। तू चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकता है, मैं ऑन द स्पॉट रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुझे रिप्लाई जरूर दूंगा। अगला सवाल, रिक्स प्रो ने क्वेश्चन पूछा है, भाई टूर्नामेंट में किसी को टॉयलेट नहीं लगती? देख भाई, ये टूर्नामेंट सिर्फ 48 मिनट्स का है, मतलब एक घंटे से भी कम। जो इतने टाइम कंट्रोल ना कर सके वो वॉरियर कैसा फिर? अगला सवाल, देसी डीबीजेड ने पूछा है, आप अपना फेस कब रिवील करोगे? जैसा पहले बोला था, 50,000 सब्सक्राइबर्स के बाद। अगला सवाल, वर्षुल भाटी ने पूछा है, फेवरेट ड्रैगन बॉल कैरेक्टर और फेवरेट एनिमे। मेरा वेजिटा नो ऑफेंस, और फेवरेट एनिमे ड्रैगन बॉल है, नारुतो, डिटेक्टिव कोनन और डेथ नोट, ये मेरे ज्यादा फेवरेट्स है। अगला सवाल, संजय घोष ने पूछा है, तेरा बर्थडे कब है? अक्टूबर मंथ में, थोड़े दिन पहले ही मेरा बर्थडे हो चुका है। अगला सवाल, भाई कहाँ से म्यूजिक लगा है, लिंक दे दे, और इस वीडियो में जो है उसकी भी दे दे। भाई म्यूजिक नेम टेपियन मेलोडी है, यूट्यूब पर मिल जाएगी, सर्च कर ले। अगला सवाल, गुरविंदर कौर चावला ने पूछा है, क्या वेजिटा का नया रूप आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कन्फर्म तो नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि वेजिटा अल्ट्रा इंस्टेंट अनलॉक करेगा, तो यार देखते हैं कि आगे क्या होता है, सब कुछ तो टोरियामा के हाथ में है। अगला सवाल, यूके जेड ने पूछा है, बीरस और चांपा भाई है, मतलब दोनों यूनिवर्स के है, फिर भी अलग अलग यूनिवर्स के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों है? ऑफकोर्स दोनों भाई है, मतलब एक ही यूनिवर्स में पैदा हुए रहेंगे, लेकिन मैंने सुना हूँ बीरस और चांपा डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, सीरियसली मत लेना। अगला सवाल, ओम प्रकाश तिवारी ने पूछा है, वेयर आई कैन सी ड्रैगन बॉल सुपर? देख भाई, ऐसी बहुत सारी इलीगल वेबसाइट्स है, जैसे किस एनिमे डॉट आर यू, गोगो एनिमे डॉट आई ओ, मास्टर रानी डॉट मी, ये वेबसाइट्स पे जा, तेरे को सारे एनिमेस मिल जाएंगे। अगला सवाल, एडी मॉर्गन ने पूछा है, भाई मास्टरोशी की उम्र हाउ? 774 ईयर्स ओल्ड, ये मैंने नेट पे सर्च किया था, झूठ नहीं बोलूंगा। एट प्रेजेंट मास्टरोशी की उम्र कितनी है वो तो मुझे भी नहीं पता। अगला सवाल, मोहित महबूब ने पूछा है, तुम मांगा किधर से लाते हो? देख भाई, मैं नेट पे खरीदता तो नहीं हूँ, बहुत सारी वेबसाइट्स है जिधर से मांगा पढ़ सकते हो, जैसे मांगा फॉक्स, मांगा रॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई तू मांगा लाता है, लेकिन इतना लेट क्यों? भाई तेरे को क्या लगता है, गोकू फिर से पावर अप करेगा? मैं पहला और तीसरे का जवाब दूंगा, क्योंकि बाकी दूसरे रिपीटेड है। तो भाई सुन, मांगा लेट इसीलिए होता है क्योंकि पढ़ना पड़ता है और फिर पेजेस डाउनलोड करने पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन टेंशन मत ले, मैं जल्द से जल्द लाने की ट्राई करूंगा। और गोकू फिर से पावर अप करेगा, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि केल और क्वालिफाई के साथ लड़कर अपनी स्ट्रेंथ वापस ला रहा है, और तूने ये तो सुना होगा सेंस जितना लड़ते हैं उतना ताकतवर होते हैं। आखिरी सवाल, ग्रिड हैक्स ने पूछा है, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अरे यार, बच्चे बच्चों को पता है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, मुझसे क्या पूछ रहा है। तो अब बस, मुझे पता है और भी बहुत सवाल है, लेकिन टाइम नहीं मिला उसके लिए, सॉरी यार, अगली बार के लिए ये सब क्वेश्चंस को रखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं गिव अवे की। देखो यार, जैसे कि मैंने एक प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं गिव अवे रखने वाला हूँ, तो उसका समय आ गया है। जैसे मैंने कहा था कि गिव अवे 1 से 10 लोगों को मिल सकता है, तो फिलहाल तो एक को ही मिलेगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन उस एक लकी विनर को 2 गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे नए चैनल पर जाए और सब्सक्राइब करिए, और जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है जो मैंने जिरेन पर बनाया है, और वो वीडियो को पूरा देखे। उस वीडियो में मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में दे, और जिसका आंसर सबसे ज़्यादा सेंसिबल रहेगा वो एक गिव अवे का विनर होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विनर को अनाउंस करूंगा। और दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाने की सोचना भी मत। अब सबसे दुख भरी बात, देखो दोस्तों, आजकल मेरे चैनल पे पहले जैसे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो यार, मेरे वीडियो देखा करो। आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है, फिर ख्याल आता है अब तो नया वीडियो बनाना ही पड़ेगा, अंदर से वैसी वाली फीलिंग आती है, अब तो बनाऊंगा ही। तो यार दोस्तों, देखा करो। तो अब दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और यार, तुम लोगों को कोई किस्म की हवा लग गई है क्या? वीडियो को लाइक ही नहीं करते? लाइक करो यार, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाइमासु।